सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति पर उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट खरी उतरी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आरोप लगाया राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोमती नगर थाने में तैनात अतिरिक्त कोतवाल रत्नेश सिंह के संबंध कई तस्करों से है। आरोप लगाए हैं कि अपनी पूर्व तैनाती के दौरान बाराबंकी के हिस्ट्री शीटर और माफिया तस्कर कासिम उर्फ शमीन, जिस पर कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे, बावजूद इसके रत्नेश सिंह जैतपुर इंस्पेक्टर रहते हुए भी उसकी मदद की और उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत भी ली, जिसके बाद रत्नेश सिंह के जांच में दोषी पाए जाने पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रत्नेश सिंह के ऊपर फर्जी एनकाउंटर और लोगों से वसूली के आरोप पहले से ही दर्ज हैं, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने एडीसीपी पूर्वी कासिम आबादी को ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। वहीं एडीसीपी पूर्वी कासिम आबादी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर संगठन की तरफ से शिकायत मिली है। अब इस मामले में हर एक बिंदु पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम आए थे यहाँ पे गोमती नगर थाने में, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं और जिनकी ये शिकायत है कि वो पिछले जो पूर्व तैनाती थी इनकी, उस तस्करों और हिस्ट्री सीटों के साथ इनके संबंध थे, जिसकी शिकायत लेके हम पूर्वी डीसीपी के यहाँ आए थे। कौन कौन से वो पुलिसकर्मी हैं? हमने शिकायत दे दी है और बाकी उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कि इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो आरोप है इन पे और जो हमारे संगठन के पास भी इनके कई शिकायतें आई हैं, इन पे आरोप है कि पिछली तैनाती में इन्होंने तस्करों और हिस्ट्री सीटों से 50 लाख रुपया लेके उनका जाली पासपोर्ट बनवाने में रिपोर्ट भी लगवाई थी और बहुत से आरोप हैं, क्योंकि गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में अगर ऐसे अफसरों की तैनाती होगी तो ये आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश एकदम क्राइम मुक्त है, तो अगर ऐसे अफसर गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में तैनात होंगे तो ये उनकी जो नीति है उत्तर प्रदेश मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश पे, इस पे भी एक बट्टा होगा। जी हाँ, ये धर्मेंद्र यादव जी अभी आए थे, इनका एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र ये लेकर के आए थे और इनको जो समस्याएं थी वो उन्होंने बताया है और इनका शिकायती प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और इस पर जांच की जाएगी और यदि इसमें जो तथ्य थे वो सही पाए गए तो जिसके विरुद्ध तथ्य पाए जाएंगे उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत लेकर आए थे? शिकायत क्या थी? हाँ, अभी कुछ थाने से कुछ शिकायतें हैं इनकी और कुछ इन्होंने जो उसमें तथ्य अंकित किए हैं तो उनके ऊपर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, नियमों के तहत बैड एंट्री जिनके ऊपर लगी होती है उनकी तैनाती कहाँ तक जाएगी पुलिस कमिश्नरेट? इसकी भी जाँच की जाएगी, ये भी जाँच का विषय है कि यदि इस तरह का है तो इस तरह का, जैसा कि इसमें अंकित किया गया है कि इसमें व्यवहार सही नहीं है, ये इसके ऊपर भी जांच की जाएगी और यदि अगर सही पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।